मेरा नाम है सुहागसल और मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ। एक्चुअली लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बोलने की शौकीन भी हूँ और मेरा काम भी यही है। तो एक कोट है ना जो आपने भी काफ़ी सुनी होगी कि अगर आपका शौक आपका जरिए मौश बन जाए तो उससे बेहतर बात क्या होती है। तो मेरा बस ये काम है और मेरा शौक भी है। मैंने एक्चुअली मैस कम्युनिकेशन में ही बीएस किया है, फिर एमफिल भी मैस कम्युनिकेशन में ही किया, तो फिर अंडरस्टूड सी बात है किसी फील्ड में ही आना था। लेकिन इस फील्ड में आने की वजह ये नहीं थी, माई डैड वॉन्ट्स मी टू बिकम समथिंग इन मीडिया इंडस्ट्री। तो फिर अब्बा के कहने पे मुझे ये काम, उन्हें पता, बच्चों को पता होता है ना माँ बाप को कि ये ज़्यादा बोलते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अभी भी मैं समझती हूँ कि मेरे में कम है और ये कमी मैं इसे ऑन करती हूँ, और ये एक शर्मिंदगी वाली बात भी है कि आपका मुताला बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो आपके पास मवाद अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो आप ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। अब्बा मेरे बहुत मुताला करते हैं और मैं वैसे सारी सच्ची बातें कर देती हूँ किसी भी इंटरव्यू में। वो कहते हैं चिराग के लिए अंधेरा, वो इतना पढ़ते हैं और हमारा उतना ही मुताला है कि अगर शो करना पड़ेगा वो करंट अफेयर का हो, मॉर्निंग शो हो, ट्रांसमिशन हो या रोड शो हो, तो उसकी ज़रूरत के तहत हम रिसर्च कर लेते हैं। अदरवाइज उस तरह से करंट अफेयर का इतना कंटेंट नहीं है। बीइंग अ वुमन ऑफ पाकिस्तान, और जैसे कि जिस किस्म का कॉन्टेंट आप इस पेज पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस कैंपेन को लेकर चल रहे हैं, बेसिकली मेरा बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये सवाल बारह दफ़ा बारह जगह पर बहुत सारे लोगों ने पूछा है और मुझे लगता है कि वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सबको इसके बारे में पता है, लेकिन बस वो होता है ना कि सुनना है तुम्हारे मुंह तो कि तुसी की कहते हो, तुसी कहते हो, तुसी कहते हो, दैट्स इट, ये और कुछ नहीं है। मुझे लगता है बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान, बीइंग अ मुस्लिम, मैं एक इदारे में, अगर वो प्राइवेट इदारा है, मल्टी नेशनल कंपनी है, तो खातून वहाँ भी खातून है, और खातून एक मीडिया इंडस्ट्री के किसी प्रोड्यूसर की एंकर भी होगी तो वो खातून ही है। सो इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट सुहागसल। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि आपने मुझे कैसे ट्रीट करना है। मुझे एक मॉर्निंग शो चाहिए, मुझे न्यूज़ चाहिए, मुझे चैनल स्विच करना है, तो ये सारी चीज़ें करने वाली इन हमारे सामने जो लोग बैठे ना, इनमें से किसी के बस की बात नहीं है। ये उसने लिख दिया है, ये वैसे ही होना है, हम ड्राइव हो रहे हैं, हम पपेट हैं, दैट्स ऑल। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये इनके हाथों में, तो पहले तो खुदारा खवातीन ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए या बीइंग एन एंकर, आप किसी इदारे में काम करते हैं तो आपका डीएन, आपका प्रोड्यूसर या आपका मालिक इदारे का, वो ये नहीं कर सकता। एक ही मालिक है जो कर सकता है। इनके हाथ में ना ही किसी काम को देना है और ना ही किसी काम को आपसे छीन लेना है। तो चुप करके धड़ल्ले से काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, हर चीज़ हो जाती है। डरना नहीं है, डर के कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई स्टेप नहीं लेना, कोई काम नहीं करना। हर जगह खातून को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि भी मीडिया इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेहसाल का शिकार होती है खवातीन, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस सवाल के जवाब में ऐसा लगता है कि इंटायरली अगर मैं देखूँ तो जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। इंटायरली कह रही हूँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पिक एंड ड्रॉप, डे केयर सेंटर, बच्चों के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, पिक एंड ड्रॉप होनी चाहिए, नाइट की शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, मॉर्निंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सिस्टम, इट्स आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स। अगर आप बींग अ डी सी वी सी काम कर रहे हो, खातून के तौर पर काम कर रहे हो, तो पाकिस्तान में खातून को इन ब्यूरोक्रेसी में या इस तरह की डिजिग्नेशन में बड़ी इज्जत मिलती है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मीडिया, सो यू चूज़ फॉर दैट, इट्स योर चॉइस, ये आपने चूज़ किया है। खुदा ना खासा रात को एक बजे ब्लास्ट होता है तो यू हैव टू बी अपीयर ऑन स्क्रीन, तो ये आपकी चॉइस है, आपने आना है। ऑल दो इदारों को, प्राइवेट इदारों को ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले दौर और था, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पहले दौर में बहुत कम माँ बाप अपने बच्चों को अलाउ करते थे मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए, और बहुत कम खवातीन ये समझती थी कि वी वॉन्ट टू कम ऑन स्क्रीन। हूँ तो उन्होंने पंजाबी सुने ना, एटी चुको तो एंकर निकल आंदा है, हूँ तो यह हाल है, क्योंकि डिजिटल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, यूट्यूब इतना फास्ट हो गया है, तो हर दूसरा बंदा एक एंकर है, जो कुछ ऐसे मोबाइल पकड़ के भी बोल लेता है तो ही और शी बिकेम एन एंकर। तो ये उस तरह से नहीं है, इनको उस तरह की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आ जाएँ आप हर किसी को इंडिविजुअली फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो इदारों में वो चीज़ें नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि नाइट शिफ्ट में खवातीन ना हों, और बड़े इदारे भी, या अगर हम चैनल्स भी तो इतने सारे हैं ना हमारे पास, नेशनल लेवल के इतने हैं, 2-3-4-5 हाईएस्ट टैग हमारे पास बड़े चैनल्स हैं, बाकी जो लोकल चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, मेट्रोपॉलिटन पे लोगों ने बहुत स्विच कर लिया है, तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये सिस्टम बस बन गया है कि जेंडर अब नहीं सोचा जाता, अब नहीं, ख़त्म हो गया जी। यू नो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहती हूँ, वो आपने सलमान खान का बिग बॉस में देखा नहीं, वो ओपनिंग और क्लोजिंग इसी बात से करते थे, डू व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइस, सो जस्ट गो फॉर इट, जो आप करना चाहते हो आप करो। आपने मीडिया इंडस्ट्री में आना है, आपने रियल स्टेट में आना है, आपने किसी नो बाहर किसी मुल्क में जाके काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, घर में काम करना है, बिजनेस करना है, व्हाटएवर आप करें,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सारे सिनेरियो में ख्वातीन या वो जो जेंडर वाला फैक्टर था वो अब ख़त्म होता जा रहा है। तो आपने इस सब चीज़ों को इकट्ठे ड्राइव करना है और आपने करना है। मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप ना यहाँ लिख के लगा लें, ये आपका काम है और ये आपने करना है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान होती चली जाती हैं। तो इसमें कोई अच्छा डिफाइंड अगर मैं रूल करूँ तो मैं ये समझती हूँ कि यू नो बीइंग अ वुमन ख्वातीन के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि पहले 4 साल की डिग्री करें, अब तो 4 साल की हो गई है, 2 साल की थी पहले, BS करें, फिर उसके बाद 4 साल बाद कॉन्वोकेशन आए, फिर इंटर्नशिप करें, फिर सीखें, फिर काम करें, ऐसा नहीं है। When I was started, I was in 6th semester when I got on air. 6th semester में मैं पहली दफ़ा on air हुई थी। तो मुझे ये सजेशन है तमाम ख़वातीन के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, कि आप लोग एक काम करें, डिग्री के साथ साथ करें, डिग्री भी करें साथ साथ इंटर्नशिप करें। मेरी कॉन्वोकेशन वाले दिन यू नो मैं ये नहीं समझती कि मैंने सब कुछ कर लिया, अभी बहुत कुछ बाकी है, बड़ी बड़े काम करने वाले हैं। लेकिन मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप PTV में की थी जब मैं अपने 2nd semester में थी। आपको ये नहीं पता होता नंबर की में लगने ने दे, क्विज की है, असाइनमेंट की है, प्रेजेंटेशन में हाथ कांपते थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं इंटर्नशिप कर रही थी अपने साथ साथ। बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान, आई कैन डिस्क्राइब द होल स्टोरी इन वन वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड ग्लैमर। बिकॉज आई एम द पर्सन ऑफ स्क्रीन, अगर टीवी पे ना काम नहीं भी कर रहे, न्यूज़ कास्टर नहीं है, मॉर्निंग शो नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया की बात ही कर लेना, तो अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की बात कर लें, तो यू नीड टू पुट सम काइंड ऑफ ग्लैमर। आप सब कुछ छोड़ें, आप एड्स की बात कर लें, नाउ अ डेज वी आर यूजिंग वुमेन फॉर द सेक ऑफ ग्लैमर एंड इट्स ट्रू स्टोरी। एक शेविंग क्रीम की एड नहीं पूरी होती तो खातून ना अंदर आ जाए। तो ये हमने किया हुआ है, चूँकि हमारा योनरा ये नहीं है। अब मुझे पता है, मैं अगर कहूँ कि बींग अ मुस्लिम हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर तो लोग मुझे कमेंट में नीचे लिख देंगे कि बींग अ वुमन तो तुम्हारा दुपट्टा पा के आना चाहिए, या तो उन्होंने आना ही नहीं चाहिए स्क्रीन पे, अगर आ रहे तो दुपट्टा पा के आओ। तो मैं ये ना ये समझती हूँ कि भी खुदारा आप खुदा ना बने, ना बने आप, बस क्रिएशन ने क्या करना है वो आप ही ने उसकी बेड़ा उठाया हुआ, उसकी जिम्मेदारी उठाई हुई है, ये ज़रा छोड़ दें। चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी, मेरे लिए भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि सबको इस्लाम पता है। 6,000 मेरी पहली सैलरी थी और वो मेरी इंटर्नशिप की सैलरी थी, और डॉक्टर हसन सोहेब मुराद UMT के डायरेक्टर थे। और मज़े की बात है कि स्टूडेंट लाइफ में जब आपको सीढ़ियों में, कॉरिडोर में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती ना, हमें ऑफिस मिला हुआ था हमारे यूनिवर्सिटी में, तो पहला इंटर्नशिप 6,000 मिली थी, याद है आज भी। अच्छा, आपको पता है मुझे ना मतलब बड़ा मज़ा आता है मुझे ना अच्छी और सच्ची बातें करने का, ना मतलब मेरा दिल करता है बस सारा कुछ बोल दूँ, हालांकि बाज़ूकत मुझे होता भी है बोलने के बाद, लेकिन नहीं, यस आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस एंड विद मी एज वेल। मैं इतनी खुश होती कि मैं जो कमाती हूँ ना उसका 70% अपने घर दूँ, और इसलिए नहीं कि मैं कहूँ यार मैं बहुत अच्छी हूँ, प्लीज़ मेरी अच्छी टी वाह होनी चाहिए इसलिए मैं सब कुछ कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने गाड़ी ली हुई 1 साल हुआ है मुझे, 1 साल पहले तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो सिर्फ पेट्रोल का खर्च होता है मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा साथ चला लेते हो तो आजकल कम वाह हो जाता है, कपड़े आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं, मेकअप थोड़ा बहुत होता है वो मैं ख़रीद लेती हूँ, जूते होते हैं मैं एक दफ़ा ख़रीद लूँ तो मेरा साल गुजर जाता है। मतलब मैं, आप यकीन नहीं करेंगे इस बात का कि हैरान होंगी लड़कियाँ, फेशियल, स्किन पॉलिश, मैनीपेडी एंड XYZ, ये लवाजमत मेरे से होते नहीं, हालांकि निस्वानियत भी है, नज़ाकत भी है, एवरीथिंग, बट ऑल दो मेरा काम है कि इसके बगैर भी चीज़ें हो जाती हैं, बस काम करो तो काम करी जाओ। तो मैं, मेरे अखराजात बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ी लो कॉस्ट सी न्यूज़कास्टर हूँ मैं, और मेरा काम ऐसे ही चल जाता है। मेरी ज़्यादा खुश होती हैं मेरी 4 बहनें हैं माशाल्लाह, तो उन्हें खुश करूँ और मेरे अम्मा अब मुझसे बहुत खुश हों, बस दैट्स ऑल। मैं बड़ी कायल हूँ इस चीज़ की कि अल्लाह पाक ने ये निज़ाम ही ऐसे बनाया है कि खुद ने इतनी खूबसूरत बना दी है इस औरत को कि फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक मर्द की पसली से ही पैदा किया है। तो ये साथ चलने वाली दो चीज़ें हैं। मैंने जो काम देखा ना लोगों का इर्द गिर्द ख़वातीन को लेके, मैं हमेशा चाहती थी कि इस काम को इस अंदाज में किया जाए कि यू नो द पावर ऑफ वुमेन वो निकल के सामने आए। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को जब इस आइडिया को ड्राइव करते देखा है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वन आई हैव सीन वुमेन ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे वो चीज़ उस तरह से फौरी क्लिक की कि मैं ये चीज़ देखना चाह रही थी, और मुझे पता है कि मेरे साथ साथ बाकी ख़वातीन भी देखना चाहती हैं, बिकॉज़ ये वो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं जो घर में बैठी 4 साल से सोचती खातून के लिए काफ़ी है, जो सिर्फ ये सोच रही कि मैंने घर से बाहर जाना है, और घर से बाहर घूमने पर नहीं जाना, अपने लिए कुछ करने जाना है। पता नहीं कितने लोग सुहा के अलावा ये बात करते होंगे, ट्राई टू लव योर सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अगर मेरी स्टोरी देख के कोई 4 बंदे यही सोच लेंगे ना कि कल से मैंने अपना घर बैठ के यूट्यूब चैनल बना लेना है, अगर मुझे 4 चीज़ें आती हैं, मैं शेफ़ हूँ या मैं XYZ हूँ, मैंने काम करना है, तो बेसिकली यहीं से स्टोरी शुरू होती है।
तो ये इस तरह के वुमेन ऑफ पाकिस्तान नौयत के प्रोजेक्ट जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं उन तमाम ख्वातीन के लिए जो चले वो जिनके पास वसाइल है वो तो कर ही लेंगी, जिनके पास वसाइल नहीं है उन तक भी ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। तो ये जो एक्सेस है ना, ये जो रसाई है, ये मुझे बड़ा क्लिक करती है और मैं चाहती हूँ कि वुमेन ऑफ पाकिस्तान की ये आवाज़ उन तमाम लोगों तक पहुँचे, उन तमाम लोगों तक उसकी रसाई मुमकिन हो जिनको ज़रूरत है इंस्पायर होने की, कदम उठाने की, इनिशिएटिव लेने की। इट्स ऑल अबाउट वुमेन बट शी इज़ कनेक्टेड टू मैन बाय द विल ऑफ अल्लाह। यू नो अल्लाह ने एक चीज़ बना दी है, अल्लाह ने औरत को बहुत ताकतवर बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा प्यारा बनाया है, बड़ा यू नो अब हर चीज़ उसको दी है, लेकिन ऑल दो फिर भी वो खुद भी ये चाहती है कि उसे ड्राइव किया जाए, वो खुद भी ये चाहती है कि उसको चलाने वाला एक मर्द हो। तो क्या जाता है मशवरा करने में, क्या जाता है बताने में, वो भी आपकी इज्जत ही करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिद की एग्जाम्पल ले लें, अपने भाई की एग्जाम्पल ले लें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल बिल्कुल 110% नहीं 500% खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि आप इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं या आप इसको समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ख़वातीन से एफिलिएट हैं, जो चीज़ें ख़वातीन से एफिलिएट नहीं हैं वो ख़वातीन वैसे भी कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कमाना, कमाना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो क्यों कमा रही हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। तो वो इंडिपेंडेंट वैसे भी हो सकती हैं, मतलब औरत को सूट करता है कभी कभी खाना बना लेना। हालांकि मैं आपकी बात बताऊँ, मैं ये सोचती हूँ मेरी शादी हो जाएगी ना तो घर में खाना पकाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यू नो वॉट बींग अ वुमन मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं पैसे कमा रही होंगी ना 30,000 में मैं एक मेड रख लूँगी अच्छी जो खाना बनाएगी, सफाई करेगी। तो घर के काम करना ख़वातीन का इशू नहीं है, ख़वातीन का इशू रिश्तों को संभालना है, अपने खावंद को संभालना है, अपने घर वालों को संभालना है, सबको साथ लेकर चलना है। ये वो टास्क है जो शुरू से ख़वातीन को दिए गए हैं, और जब वो ये पूरे नहीं करती ना तो फिर गल रोटी पानी पर आ जाती है कि रोटी नहीं सही पक दी, गोल नहीं पक दी, एंड समथिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रिश्ते, इट्स ऑल अबाउट योर विल टू ड्राइव योर फैमिली। सबसे बड़ी मेहनत है सुबह 6:30 बजे उठना। आज भी सुबह 6:30 बजे उठ के जब आप अंधेरा होता है, तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है आजकल, तो सुबह सुबह उठ के जब आप चढ़ते सूरज को देखते हैं ना, तो फिर जब चढ़ता सूरज सलाम करता है ना, तो फिर दुनिया भी आपको सलाम करती है। इस चीज़ को कनेक्ट कर ले अपनी ज़िंदगी से। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दिन देखें, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ढलती रात के साथ अपने आप को सोने की आदत डालें। आप कुदरत के ख़िलाफ़ चलते हैं तो मुझे बताएं कि आप कहाँ तक चल सकते हैं और आप कितना चल सकते हैं। लोग चल रहे हैं, लोग तो कहेंगे सुबह तो गलत कह रही है क्योंकि काम तो ऐसे हो रहा है, रातों को फिल्में बन रही हैं, रातों को ड्रामे बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक दफ़ा इसको करके देखें, कुदरत के साथ चलें। तो बेसिकली ये देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है, ये इतना है नहीं। हाँ ये है कि मैंने पहले यूनिवर्सिटी लाइफ में पहले दिनों में बहुत मेहनत कर ली है, तो मेरे अब्बा कहा करते थे कि जो जिस चीज़ का टाइम होता है ना वो उस टाइम पे कर लो, तो जो आपकी ख्वाहिशात है ना उनको पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो मैंने उस टाइम मेहनत की है और अब आया शी।